बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से सभी को हैरत में डाल दिया। सुष्मिता ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, ब्लैकेज की वजह से उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इतनी फिट रहने वाली एक्ट्रेस को कोई गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। सुष्मिता को इससे पहले एक हार्मोनल बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें 4 साल तक इंडस्ट्री से गायब होना पड़ा था। सुष्मिता ने राजीव मंसद को डी इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। सुष्मिता ने कहा, मैं अपनी बंगाली फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी मुझे अचानक चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां मुझे पता चला कि मैं एडमिशन नाम की बीमारी से जूझ रही हूँ। इस बीमारी में शरीर हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है। इसमें किडनी के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स बहुत कम मात्रा में कोर्टिसल और एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स बनाते हैं जो कि शरीर के लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।